नमस्ते बहनों, आज मैं बताऊंगी प्रेगनेंसी में क्या खाएं कि बच्चा गोरा हो। प्रेगनेंसी के दौरान हर कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चा गोरा हो। जिसको जैसा भगवान बच्चा देंगे वैसा ही बच्चा होगा। कोई भी चीज खाने से बच्चा गोरा नहीं होता है। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति गोरा है तो बच्चा जाहिर सी बात है कि वो गोरा ही पैदा होगा। लेकिन अगर घर में कोई भी परिवार आपके घर में काला है, हो सकता है बच्चा काला ही आपका हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति काला नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा काला बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कुछ खाने पीने पर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई काला व्यक्ति है, कोई फैमिली में काला है, तो आप केसर का दूध पिए और दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीने का प्रयास करें, और उसके बाद नारियल पानी पिए, संतरा खाएं। अगर आप ये सब चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बहुत आपके बच्चे का कलर सही आएगा। लेकिन वैसे तो कोई भी ऐसा दवा नहीं है या फिर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बना है जो कि आप खा लें और आपका बच्चा गोरा पैदा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो है बताते हैं कि केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा होता है, तो आप पीकर ट्राई ज़रूर करें। जब आप पियेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हकीकत है या नहीं। वैसे तो कुछ नहीं होता है, ये सब भगवान का देन है। जैसा भगवान जिसको काला गोरा बनाएंगे वैसा ही इंसान बनेगा, वैसा ही बच्चा आपको पैदा होगा। आप ये सब बात बिल्कुल ना सोचें कि ये चीज़ खाने पीने से गोरा होगा, ये चीज़ खाने पीने से काला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा भगवान जिसको बनाएंगे वैसा ही वो बनेगा। अगर आप केसर वाला दूध पी रहे हैं तो कुछ बातों का आप ज़रूर विशेष ध्यान रखें। बहुत से लोगों को केसर वाला दूध नुकसान करता है, केसर से एलर्जी होता है। तो अगर आपको भी केसर से एलर्जी है तो आप केसर बिल्कुल ना पिए, केसर वाला दूध आप बंद कर दें। अगर आप पी रहे हैं तो नारियल पानी पीने के बाद अगर आप मलाई खा रहे हैं तो मलाई खाने के बाद आप पानी ज़रूर पिए, नहीं तो जो मलाई आप खाएंगे उपजा कर बच्चे के शरीर पे जमा होगा, सब बच्चे के शरीर में लिपटा हुआ रहेगा। इसीलिए जब भी बहुत से महिला ऐसी हैं जो नारियल पानी पीती हैं और नारियल पानी पीने के बाद जो नारियल में मलाई होता है उसको फोड़कर खाती हैं, तो अगर आप भी खा रहे हैं तो खाने के बाद पानी ज़रूर पिए, सब जाकर बच्चे के शरीर पर जमा हो जाता है या फिर सिर पर जावड़ बनके चिपक जाता है। तो इसीलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप नारियल पानी पी रहे हैं और उसका मलाई खा रहे हैं तो आप पानी ज़रूर पिए, और संतरा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। संतरा खाने से बच्चे का विकास अच्छे से होता है, तो संतरा ज़रूर खाएं। संतरे से बच्चे का अच्छे से विकास होगा। आधा लीटर या फिर एक पाव जैसा आपका व्यवस्था हो उसी हिसाब से आप दूध पी सकते हैं। तो ये बात आप दिमाग में अपने बिल्कुल ना रखें कि नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होगा या फिर केसर का दूध पीने से बच्चा गोरा होगा। आप अपने सेहत के लिए पिए ज़रूर। जिसको जैसा भगवान बच्चा देंगे वैसा ही बच्चा होगा। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह का आपको और भी वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।